तो बच्चों आज हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का जो टॉपिक चल रहा था एरर, उसी का हम एक सेकंड पार्ट पर पहुंचे हैं। इसमें हम एरर्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम ये देखेंगे कि एरर को फाइंड कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल्स में या प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल जब आप करते हो तो कुछ रीडिंग्स लेते हो, तो उन रीडिंग्स से आपको कैसे पता लगेगा कि इस प्रैक्टिकल में कितनी एरर आई थी। तो एरर के फॉर्मूले हम इसमें पढ़ेंगे। तो एरर के फॉर्मूले, चार एरर्स होती हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंट एरर। ये चार टाइप की एरर्स होती हैं। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है और इन्हीं के फॉर्मूलों को हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको ये चारों नेम को लर्न करना है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंट एरर, ठीक है। अब हम एक एक करके एरर को लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझो, द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू, या फिर इसको ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं हम, और ट्रू वैल्यू एंड मीजर्ड वैल्यू। जो आपने मीजर की है वो मीजर्ड वैल्यू होती है। द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू और ट्रू वैल्यू एंड मीजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है कहानी? तो अब मीजर्ड वैल्यू तो हमें पता चल जाती है क्योंकि ये तो हम खुद ही मीजर करते हैं। ये रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू हमें कौन बताएगा? भाई मैंने आपसे कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू को फाइंड नहीं किया जा सकता, तो फिर इसको बताएगा कौन? इसको भी बच्चों आप ही बताओगे। कैसे बताओगे? जैसे किसी प्रैक्टिकल में आपने 5 रीडिंग ले ली, या अपन मानते हैं n रीडिंग्स ले ली, इन सबको ऐड करके इसका एवरेज निकाल लो। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम सभी रीडिंग्स को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं इस तरीके से, तो जो एवरेज आता है मीन वैल्यू, इसी को हम रियल मान लेते हैं। ये जो मीन वैल्यू आएगी इसी को क्या मानोगे आप? रियल। तो रियल वैल्यू निकालने के लिए आपको मीन निकालना है, सीधी सी बात है। जो भी रीडिंग्स आपने प्रैक्टिकल में कभी भी एक रीडिंग नहीं ली जाती, प्रैक्टिकल में कम से कम 5-6 रीडिंग्स ली जाती हैं, तो पहले उन सबका क्या निकालो? मीन। सबका मीन जो आएगा उस मीन को ही हम क्या मानेंगे? रियल, ठीक है। तो रियल आ गया। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हर किसी रीडिंग में होती है एब्सोल्यूट एरर। अगर आपसे बोला जाए एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, पहली रीडिंग में निकालने के लिए बोला जाए एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, इस वाली रीडिंग में, तो इसको बोलेंगे डेल A1। इसको डेल A1 बोलते हैं। तो डेल A1 कैसे निकालेंगे? जो इसकी मीन वैल्यू थी, मीन वैल्यू में से इसकी फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो दोनों का डिफरेंस आ गया। और जो दोनों का डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो पहली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई? AM इसकी रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू, ये मीजर्ड वैल्यू, रियल में से मीजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग आ गई। ऐसे एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग की निकालनी है अगर, तो इसका फॉर्मूला डेल A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2 हो जाएगा। और अगर ऐसे ही करते करते हमें nth की निकालनी हो एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग की, तो डेल AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। तो इस तरीके से हम किसी भी रीडिंग में, जितनी भी रीडिंग होती है ना बच्चों, उन सब में एब्सोल्यूट एरर फाइंड की जा सकती है। उसका तरीका आपको बता दिया, पहले सभी वैल्यू का एवरेज निकालो, मीन निकालो, तो मीन तो रियल हो जाएगा। अब इस रियल में से एक एक वैल्यू को माइनस करते जाओ, AM माइनस A1, AM तो ये डेल A1, डेल A1 क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को डेल लगा के, ये डेल का साइन होता है, ये डेल लगा के ही इसको शो किया जाता है। AM माइनस A2 करोगे तो डेल A2 आ जाएगा। इसी तरीके से AM माइनस AN करोगे तो डेल AN आ जाएगा। एक बात यहां पर ध्यान देना, ये तो आप समझिए कैसे निकालना है, एक बात जो ध्यान देने वाली है कि जो एब्सोल्यूट एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकती है।
पॉजिटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव, इसको जब डिफरेंस निकालोगे तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। हम लास्ट में एक एग्जांपल देखेंगे इसका, तो उस एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कुछ नेगेटिव भी आएंगे, कुछ पॉजिटिव भी आएंगे और कुछ जीरो भी आएंगे। तो एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्लियर है कहानी? सेकेंड आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो सीधी सी बात है, जितनी भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है ये सब एब्सोल्यूट एरर है कि नहीं है? ये फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, ये सेकेंड, ये एन, तो सभी को आप पॉजिटिव में लेके, इसमें मैंने बताया था ये नेगेटिव भी आ सकती है, पर आपको जब आप मीन निकालोगे तो नेगेटिव में नहीं लेना है आपको। ये जो साइन होता है ना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, इस साइन को मॉड्यूलस बोलते हैं। इसका मतलब होता है हमें सब वैल्यू पॉजिटिव में ही लेनी है, चाहे नेगेटिव में भी आए, पर बीच में प्लस ही लगाना है हमें, उस माइनस साइन को हमें यहाँ पे नहीं लगाना, सब प्लस में लेना है, क्योंकि एरर तो आपने की है। अब चाहे प्लस में की हो चाहे माइनस में की हो, पर एरर तो एक तरीके से आपने जीरो के बराबर ही की ना दोनों तरफ, तो आप उन सबको प्लस में लेकर ही आपकी एरर निकालोगे। तो सबको प्लस में लेने का मतलब, ये सबको मैंने प्लस में ले लिया, जितनी भी मीन एब्सोल्यूट एरर थी सबको प्लस में ले लिया और इनका मैंने मीन निकाल दिया, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ गए कहानी? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जितनी भी एब्सोल्यूट एरर निकालोगे उन सबका मीन निकाल दो। ये मीन निकालने का तरीका है, एडिशन कर दिया सारी क्वांटिटीज का, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो इनका जो रेशियो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आ जाएगा। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि इसमें कहीं भी माइनस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे तो आएगा माइनस, इनको जब आप डिफरेंस निकालोगे तो माइनस आ सकता है, लेकिन इस ऊपर वाली टर्म में माइनस, उसमें से जो माइनस आ रहा है वो, उस माइनस माइनस जो साइन है उसको हटा दो और उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर रख दो। मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस का मतलब होता है, ये साइन जो बना है इसका मतलब होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब केवल हमें न्यूमेरिक वैल्यू रखनी है, उसके साथ माइनस नहीं लगाना है, बीच में प्लस ही आएंगे सब जगह, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो निकालोगे वो क्या कहलाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आती है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रिलेटिव एरर की डेफिनेशन यही होती है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट मैं लिख देता हूं पहले थ्योरी में, मीन एब्सोल्यूट एरर तो ऊपर आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, जो मीन वैल्यू हमने शुरुआत में निकाली थी, तो ये जो है ये है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हो जाएगा इसका, रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर तो हो जाएगी इसकी डेल ए बार, ये मीन में यहां पे जो निकाली है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इसकी क्या थी ए एम जो आपने शुरुआत में निकाली थी, ये रिलेटिव एरर होगी, ठीक है? तो इसमें ए एम को डिवाइड करना है बस। फिर फोर्थ है परसेंट एरर। परसेंट एरर क्या होती है? जो आपने रिलेटिव एरर फाइंड की है, परसेंट एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100, तो आपको जो रिलेटिव एरर है इसको परसेंट में निकाल देना है, तो ये परसेंट एरर हो जाएगी, ठीक है? तो रिलेटिव एरर निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, मतलब हम इसको लिख सकते हैं डेल ए बार अपॉन ए एम इंटू 100, ये परसेंट एरर कहलाती है। तो परसेंट एरर में हमें पहले रिलेटिव एरर फाइंड करनी होती है, रिलेटिव एरर आगे फाइंड, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट एरर आ जाएगी, यही हमारा फाइनल आंसर होता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने कितने परसेंट की गलती या एरर उस प्रैक्टिकल में की है। अब हमारी 5% तक की गलती तो चलो मान ली जाती है, पर किसी की 10%, 12%, 15% आ रहा है प्रैक्टिकल में, तो इसका मतलब उसने बहुत ज्यादा एरर कर दी है, तो उसको दोबारा प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल लगभग गलत है, 10% से ऊपर गलत है, 10% से नीचे तक उसको सही माना जाता है, ठीक है? मतलब मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। तो आप समझ गए बच्चों चार तरीके की एरर, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए पहले जो भी हम वैल्यूज लेते हैं उनकी मीन वैल्यू निकालते हैं, अब इस मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, अब इस ट्रू वैल्यू में से एक एक रीडिंग को माइनस करते हैं तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिल जाती है, ये डिफरेंस होती है।
अब एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो हमने जैसे पांच रीडिंग ली हैं, तो पांच ही हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आएंगी। इन पांचों का जब हम मीन निकाल लेते हैं, सबको प्लस में लेकर ही मीन निकालना होता है, तो इसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। मीन एब्सोल्यूट एरर आने के बाद हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में मीन एब्सोल्यूट एरर और जो मीन वैल्यू हमने सबसे पहले निकाली थी, उन दोनों को रेशो कर दिया जाता है उन दोनों का। तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाती है। अब परसेंट एरर फाइंड करने के लिए इस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास परसेंट एरर आ जाती है। तो अब ये सारी कहानी आपको सुना दी गई है, लेकिन अच्छी तरीके से कब समझ में आएगी? जब हम इसका एक एग्जांपल अभी करते हैं यही हाथों हाथ, तो हमें ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है एरर और कैसे इसको फाइंड किया जाता है। इसका क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। हमें मान लो एक सब्सटेंस है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखे हैं, जो हमने रीडिंग में निकाले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रीडिंग्स मैं आपको बता रहा हूं। तो ये रीडिंग्स हैं 1.48, ये है 1.48 और फर्स्ट है 1.52, 1.48, सेकंड है, थर्ड है आपकी 1.50, फिर है 1.54, फिर है 1.46। ये रीडिंग्स हमको मिलती हैं। इनको मैं A1, A2, A3, A4, A5 ये मान लेता हूं। ये मान ली मैंने पांच की पांच रीडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर यूनिट नहीं लगाई गई है। पर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दी जाए जिसकी यूनिट होती हो, तो वो यहाँ पे लगा दी जाती है। अब मुझसे क्या क्या पूछा गया है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें मीन वैल्यू पूछी गई है, मैं एक एक करके निकालता भी जा रहा हूं साथ के साथ। तो मीन वैल्यू यानी AM निकालने के लिए पांचों को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो AM इज इक्वल टू 1.52 प्लस 1.48 प्लस 1.50 प्लस 1.54 प्लस 1.46 डिवाइडेड बाई 5। तो AM इज इक्वल टू, इनको ऐड करने का आएगा 7.50 अपॉन 5, 1.50। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला काम हो गया। अब सेकंड बोल रहा है एब्सोल्यूट एरर। सेकंड हमें क्या निकालनी है? एब्सोल्यूट एरर्स जो सभी रीडिंग्स में निकलती हैं। मैंने आपको बताया है ना, एब्सोल्यूट एरर सभी रीडिंग्स में निकलेंगी। तो पहले मैं डेल A1 निकालता हूं, तो AM-A1 जो मीन वैल्यू आई है उसमें से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे। मीन वैल्यू कितनी है? 1.50 और फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 1.52। तो माइनस करोगे तो देखो माइनस की वैल्यू बढ़ी है, तो -0.02 आ जाएगा। देखो नेगेटिव आ गई ना। एब्सोल्यूट एरर्स कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, कुछ भी हो सकती है। तो देखो अभी हमने AM में से A1 को माइनस किया, तो 1.50 माइनस 1.52 तो ऑटोमेटिकली -0.02 हमारे पास आ गया। डेल A2 कितना आएगा? AM-A2 तो AM हो जाएगा 1.50 माइनस A2 हो जाएगा 1.48, ये पॉजिटिव आएगी 0.02। फिर डेल A3 फाइंड करेंगे, AM-A3 1.50 माइनस 1.50 ये जीरो भी आ सकती है। देखो जीरो आ गई, आ गई ना जीरो। डेल A4 फाइंड करेंगे, AM-A4 ये AM-A4 कितना है? 1.54 तो ये माइनस का 0.04 हो जाएगा। डेल A5 AM-A5 कितना है? 1.46 तो ये हो जाएगा 0.04। ठीक है, इसकी यूनिट नहीं है। अगर यूनिट होती तो यहाँ पे भी यूनिट लगाते, यहाँ भी यूनिट लगानी पड़ती हमें। ठीक है, पर इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हमने ना तो यहाँ यूनिट लगाई है ना यहाँ पे लगती है यूनिट्स। अगर होती तो यहाँ लगती है, तो एक यहाँ लगती और यहाँ पे सब जगह लगती। एब्सोल्यूट एरर तक यूनिट को लगाना पड़ता है, ध्यान रखना। लेकिन इसकी यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट्स नहीं लगा रखी है। क्लियर है? पहले पांचों का मीन निकाला, मीन निकाल दिया। मीन निकालने के लिए ऐड करके 5 को डिवाइड किया है। मीन निकालने के बाद क्या निकाला? एब्सोल्यूट एरर हर रीडिंग में निकलती है। देखो एक एक को माइनस करता जा रहा हूं मैं,
तो मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आती जा रही है, काम खत्म। अब आगे चलते हैं, अब क्या बोल रहा है थर्ड, अब बोल रहा है रिलेटिव एरर फाइंड करो। तो बच्चों रिलेटिव एरर फाइंड करने से पहले हमें इसकी मीन वैल्यू निकालनी होगी, मतलब हमें क्या निकालना होगा रिलेटिव एरर से फाइंड को फाइंड करने से पहले हमें मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी होगी, तभी रिलेटिव आ पाएगी, क्योंकि रिलेटिव एरर में मीन एब्सोल्यूट एरर आती है। तो मीन एब्सोल्यूट अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे डेले बार। अब इन वैल्यूज को पॉजिटिव में लेंगे और ऐड कर देंगे, 0.02 माइनस में था पर मैंने माइनस नहीं लिया, प्लस 0.02 प्लस 0 प्लस 0.04 प्लस 0.04। देखो आप ध्यान से, दो वैल्यूज नेगेटिव थी पर हमें इनका मीन निकालते समय कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं लगाना, वैल्यू तो लेनी है, वैल्यू तो लेनी है पर नेगेटिव साइन नहीं लगाना, डिवाइडेड बाय 5, ये इसका मीन वैल्यू है। अभी इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये हो जाएगा आपका 0.12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 0.024, ठीक है, क्लियर है कहानी। ये आ जाने के बाद अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। अब हम रिलेटिव एरर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल ए बार अपॉन ए एम, यही होता है रिलेटिव एरर। तो डेल ए बार तो हो गया 0.024 और ए मीन जो हमने निकाला था वो था 1.50, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके 0.016 मिलेगा। यहां पे यूनिट नहीं लगाना कभी भी, वहां तक ही लगेगी यूनिट, ठीक है, इसमें भी लगेगी, सॉरी यूनिट इसमें भी यूनिट जो भी हो लगा देना, पर अभी नहीं है इसलिए नहीं लगा रही। यहां पर यूनिट नहीं आएगी क्योंकि रेशो है यहां पर ऊपर भी ए नीचे भी ए, तो इसलिए ये जो रिलेटिव एरर है इसकी यूनिट नहीं होती है, ये ध्यान रखना, मीन एब्सोल्यूट एरर तक हमें यूनिट लगानी पड़ती है, उसके बाद रिलेटिव एरर के बाद यूनिट लगाना हम बंद कर देते हैं, यहां यूनिट नहीं आएगी। तो ये हमारी रिलेटिव एरर आ गई डेले बार में ए एम को डिवाइड करके। अब लास्ट हमें क्या निकालनी है, परसेंट एरर। तो परसेंट एरर के लिए मैंने बताया था जो भी रिलेटिव एरर आ जाए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिलेटिव एरर हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी परसेंट एरर आ गई। आपने जो एक्सपेरिमेंट में ये 5 रीडिंग्स ली थी ना ये वाली, तो आपने कितना उसमें मिस्टेक किया, आपने खुद ही निकाल लिया 1.6% की उसके अंदर आपने एरर की है। तो ऐसे इसका क्वेश्चन होता है, सबसे पहले मेन वैल्यू निकलती है, मेन वैल्यू निकाली थी, फिर एब्सोल्यूट एरर निकलती है, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर, फिर परसेंट एरर। अगर आपसे डायरेक्ट परसेंट एरर पूछेगा तो भी आपको ये सब निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको परसेंट एरर मिलेगी। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये करा दिया मैंने, इसको ध्यान से देखना, वीडियो को 2-3 बार देखो आराम से, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है उसको पहले बिना देखे खुद करना, फिर उसके आंसर को मैच करना, तो ये वाला जो टॉपिक है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। इसको 2 बार तो कम से कम मेरे वीडियो को आपको जरूर देखना है।